मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खास बातचीत की हमसे और एक अहम जानकारी उन्होंने दी है। खबर अभी तक से बोले हैं सीएम मनोहर लाल की जो शपथ ग्रहण समारोह उसका वक्त और दिन अभी निर्धारित नहीं है। शपथ समारोह पर बोले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अपने आप में बड़ी जानकारी यह है क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि शपथ ग्रहण समारोह कल या आज हो सकता है लेकिन अभी तक जो समय है वो डिसाइड नहीं हुआ है, फैसला कोई नहीं लिया गया है। और खबरें अभी तक से खास बातचीत में एक्सक्लूसिव बातचीत में ये जानकारी निकलकर सामने आई है क्योंकि पहले अनिल जैन जो कि प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के वो जानकारी देते नजर आए कि सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, सभी विधायक चंडीगढ़ में होंगे और वहीं पर अपना नेता चुनेंगे, उसके बाद दावा किया जाएगा सरकार का। लेकिन उससे पहले खबरें अभी तक ने भी सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत की और उनसे सवाल किया कि शपथ कब ले रहे हैं, कब शपथ ग्रहण समारोह होगा क्योंकि सभी इसका इंतजार कर रहे हैं। अनिल मोर ज्यादा जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है अनिल, और क्या क्या कहा सीएम ने? देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से खबरें अब तक यही बताया गया है क्योंकि जिस तरह की बातें चल रही है कि मुख्यमंत्री कल ओथ ले सकते हैं, मुख्यमंत्री से जब हमने पूछा कि कल क्या आप ओथ लेंगे तो मुख्यमंत्री की तरफ से यही बताया गया कि अभी तक तय नहीं है कि ओथ कार्यक्रम कब होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से यही लाइन बोल रही है कि ओथ का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं किया गया है, ये बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही। हालांकि ओथ कब होगी इस बारों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है, बीजेपी विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई है, कल चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद फिर कहीं ना कहीं दावा पेश किया जाएगा राज्यपाल के सामने, फिर उसके हिसाब से जो होते कार्यक्रम है वो क्या किया जाएगा। यानी कुछ भी अभी तक तय नहीं है, सिर्फ इतना तय है कि विधायक दल की बैठक कल होने वाली है। अनिल जैन ने जो कहा, ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं दो। हाँ बिल्कुल, जो ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं इतना ही तय किया गया कि जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो कल चंडीगढ़ में होगी और इस विधायक दल की बैठक के लिए बकायदा ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस विधायक दल की बैठक के बाद ही राज्यपाल का समय मांगा जाएगा, फिर उसके बाद ही जो उसका कार्यक्रम है वो तय किया जाएगा। फिर साथ ही साथ बीजेपी में की जो सरकार बनने जा रही है मंत्रिमंडल का स्वरूप किस तरीके का रह सकता है उसको लेकर लगातार मंथन चलता रहेगा। जेपी नड्डा से बातचीत हो चुकी है, निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दे दिया है, अब बीजेपी के आलाकमान के नेताओं से लगातार साइड बाय साइड ये भी बातचीत होती रहेगी किन किन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है वो भी होता रहेगा और साथ ही जो कार्यक्रम है वो तय कर लिया जाएगा। अनिल मोर माने की कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ में रहेंगी? बिल्कुल, देखिए बकायदा जब ऑब्जर्वर निकल गए हैं तो जो ऑब्जर्वर है इनका काम यही है कि जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी उस बैठक में ये ऑब्जर्वर पहुंचेंगे। निर्मला सीतारमण और अरुण सिंह को पर्यवेक्षक है, ये विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे और विधायकों की राय जानेंगे। और उम्मीद यही है कि एक ही स्वर में बीजेपी के जितने भी 40 से 40 विधायक और जो 8 निर्दलीय विधायक है ये एक ही स्वर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपना नेता चुन लेंगे, फिर उसी के हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है बीजेपी की, क्योंकि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फिर राज्यपाल का समय मांगना होता है क्योंकि राज्यपाल के सामने भी दावा पेश करना होता है। बिल्कुल, विधायकों की पहली पसंद फिलहाल तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही हैं और कल विधायक दल की बैठक होगी, हो सकता है औपचारिकता ही हो। शुक्रिया, आपने जानकारी दी है और ये बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी खबर अभी तक आप तक पहुंचा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह अभी तय नहीं है कि कब होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या फिर से शपथ लेंगे ये बड़ा सवाल और कब लेंगे ये भी बड़ा सवाल, जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन इतना जरूर है कि बाकी जहां पर आपको जानकारी मिल पा रही थी कि कल होगा हम सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं कि कल अभी शपथ ग्रहण समारोह जो है वो तय नहीं है।